नमस्कार। मैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का डेमो देने जा रहा हूं। इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट मेनूज हैं, जिसमें मास्टर एंट्रीज, पीरियोडिकल्स, सर्च, सर्कुलेशन, रिपोर्ट्स, एडमिन, यूटिलिटी। चलिए इंस्टीट्यूशन डिटेल से शुरू करते हैं। यहां पर आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज करके एड्रेस, सिटी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ये सब चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन का लोगो भी चेंज किया जा सकता है। यहां से आप फिजिकल लोकेशन से, कंप्यूटर की ड्राइव से कोई भी लोगो जो आपके इंस्टीट्यूशन का है वो चूज करके अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास। यहां पर क्लासेस, कोर्सेज ऑलरेडी मैंने कुछ जोड़े हुए हैं। सपोज बीए पार्ट फर्स्ट की लाइब्रेरी जो डिपार्टमेंट है उससे मैक्सिमम 3 किताबें इशू की जा सकती हैं। आप यहां चेंज भी कर सकते हैं 4 किताबें। बुक बैंक से सपोज यहां 4, आपने 5 किताबें अपडेट कर दिया, ये चेंज हो गया। साथ ही साथ आप इंस्टीट्यूशन के वेरियस डिपार्टमेंट यहां जोड़ सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक बहुत बढ़िया यूटिलिटी है, फीचर है इस सॉफ्टवेयर का, कि यहां पर लिस्ट के अंदर 2-3 कैरेक्टर्स टाइप करके किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री सर्च करना है, हिस्ट्री, केमिस्ट्री सर्च करना है, केमिस्ट्री, तो आप डायरेक्ट उसी लिस्ट में आइटम पर पहुंच जाएंगे जो आपने 1 या 2 अक्षर या 3 अक्षर आपने टाइप किए हैं। नेक्स्ट आते हैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। यहां लाइब्रेरी में आप कितने भी डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जैसे लाइब्रेरी क्रिएट किया है, अगर बुक्स का सर्कुलेशन चार्जेबल है तो आप यहां चार्जेस सेट कर सकते हैं। अगर किताब खो जाती है उसके 200% आप चार्ज करते हैं बुक की प्राइस का। 15 दिन बाद आपको रिटर्न करनी है किताब स्टूडेंट को, और अगर 15 दिन बाद रिटर्न करता है तो 1 रुपया पर डे की पेनल्टी लागू की जाती है। तो यहां पर आपने ये अपडेट सेट कर दिए। इस तरीके से बुक बैंक में भी चार्जेस सेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टाफ डेजिग्नेशन। यहां पर डिफरेंट स्टाफ डेजिग्नेशंस ऐड करे हुए हैं, जहां पर आप इस लिस्ट में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल, क्लर्क एंड सो ऑन। परचेज स्कीम, यहां पर यूजीसी जर्नल परचेज स्कीम ऑलरेडी ऐड करी हुई है, आप और भी ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ऑथर्स की मास्टर एंट्री, यहां एंट्री करी जा सकती है, यहां भी इस लिस्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं टाइप करके। और इस सॉफ्टवेयर में एक बहुत बढ़िया फीचर है कि हर बटन से आप शॉर्टकट की यूज करके भी किसी भी अपडेट, किसी भी बटन का यूज करके शॉर्टकट कीज का आप यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग। पब्लिकेशन, यहां पर मास्टर्स की पब्लिकेशन जोड़ी जा सकती है। सोर्स, जहां से किताब आपको परचेज हुई है उसकी एंट्री करी जा सकती है। सब्जेक्ट, लाइब्रेरी के डिफरेंट
सब्जेक्ट्स हैं बुक्स के, उनको ऐड किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। यहाँ भी लिस्ट में आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सपोज इकोनॉमिक्स, बॉटनी, एंट्रीज, बुक्स एंट्री, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दो किताबें एंट्री करी हुई है। वन इज इंडियन हिस्ट्री एंड दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सपोज इंडियन हिस्ट्री की लाइब्रेरी के अंदर 10 किताबें और परचेज की गई हैं, आपको एक्सेशन नंबर 3 से लेकर 12 तक एंट्रीज करनी है। तो यहाँ किताब को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी बटन पे जैसे ही क्लिक करें, सॉफ्टवेयर पूछता है आर यू श्योर टू जनरेट एंट्रीज फ्रॉम एक्सेशन नंबर 3 to 12? यस, ये एंट्रीज एक साथ आप कर सकते हैं बल्क के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। यहाँ टोटल किताबें आपके सामने एंट्री आ चुकी है। दूसरा, किसी भी किताब की एंट्री अगर करनी है तो यहाँ ऑथर्स आपको एक या दो अक्षर कीबोर्ड से टाइप करके कीज को सर्च किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, दिल्ली पब्लिकेशन, एडिशन, सोर्स, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, प्राइस, बिल नंबर, डेट, रैक नंबर, शेल्फ नंबर एंड किताब सेव हो चुकी है। स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए यहाँ पे आप स्टूडेंट एंट्री सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट की इमेज को, फोटो को चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टूडेंट की इमेज को वेब कैमरे के द्वारा भी कैप्चर किया जा सकता है। जैसे आप मेरा पिक्चर देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया एंड सेव कर दिया। अभी आप स्टूडेंट में जाके ये मेरा पिक्चर सेव हो गया वेब कैमरे से। इसी तरीके से स्टाफ की इंफॉर्मेशन भी एंट्री करी जा सकती है। फिजिकल वेरिफिकेशन, बारकोड के द्वारा आप किताबों को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। आपको क्रिएट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। ये सेशन 2012-2013 के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन क्रिएट हो गया। बारकोड का इस्तेमाल करके आप बुक्स को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही बुक वेरीफाई हो गई, पीरियोडिकल्स की एंट्री की जा सकती है। ये डेली पीरियोडिकल्स है, आपने ये रिसीव कर ली डेली पीरियोडिकल्स में। मंथली पीरियोडिकल्स की भी एंट्री की जा सकती है, जिसमें ये फोर्टनाइट, इंडिया टुडे एंड सेव इट। सेव्ड
for the particular month. Here it is. Periodicals और जोड़ी जा सकती हैं यहां से, periodicals की संख्या बढ़ाई जा सकती है. सर्च लाइब्रेरी में ऑथर के अनुसार किताबें सर्च करना. किस ऑथर ने कौन सी किताब लिखी है अवेलेबल है लाइब्रेरी में. बिल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं. पब्लिकेशन टाइप से आप सर्च कर सकते हैं. टाइटल से आप किताबों को सर्च कर सकते हैं. सर्च रिजल्ट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल किया जा सकता है. इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं. किताब का स्टेटस जाना जा सकता है कि किताब इशू है. अगर इशू है तो किसको इशू है, स्टूडेंट को इशू है, स्टाफ को इशू है. बुक सर्कुलेशन स्टूडेंट को इशू करने के लिए यहां पे आपको बारकोड या फिर मैनुअली आप किताब को इशू कर सकते हैं. ये मैनुअली मैंने एक किताब इशू की, वो स्टूडेंट को टेम्परेरी इशू हो गई. ये दूसरी किताब इशू करी एंड थर्ड वन. सपोज ये किताब आपको इशू नहीं करनी है तो इसको अनचेक करके बाकी दो किताबें परमानेंटली इस स्टूडेंट को इशू हो चुकी है. सिलेक्टेड स्टूडेंट को इसको कोई भी किताब इशू नहीं है, इसको दो किताबें इशू है. इस लिस्ट में भी आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं. तो ये ठीक इसी तरीके से स्टाफ को भी इशू किया जा सकता है यूजिंग द बारकोड एंड मैनुअल. किताब को डिपॉजिट करना है या इशू करना है. किताब को अगर डिपॉजिट करना है, ये किताब सपोज स्टूडेंट द्वारा लॉस्ट हो गई, खो चुकी है, तो लॉस्ट की एंट्री की जा सकती है. बुक का 200% चार्जेस होंगे या सेम किताब जमा कराई जा सकती है. बुक अगर लॉस्ट हो चुकी है और प्राइस जमा कराता है तो इसकी एंट्री हो चुकी और किताब लॉस्ट में जमा हो गई, चार्जेस जमा कर सकते हैं. किताब डिपॉजिट करने के लिए डेट को चेंज किया जा सकता है. रिपोर्ट्स यहां इशू रिपोर्ट्स या ऑल बुक्स, क्लास वाइज सर्चिंग, हर तरह की सर्चिंग यहां प्रोवाइड की जा रही है. बारकोड भी जनरेट किया जा सकता है. सिलेक्टेड किताबों का प्रिंट किया जा सकता है. बारकोड आप सिलेक्टेड किताबों का प्रिंट कर सकते हैं या सारी किताबों का बारकोड प्रिंट किया जा सकता है. आप बारकोड या मैनुअल एक्सेशन कर सकते हैं. सेशन क्रिएट किया जा सकता है और डेटाबेस का बैकअप लिया जा सकता है. आप चाहें तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि है http://www.surendrasoni.com.